बोलिए बाला बजरंग बली हनुमान जी की। भक्त जनों, जैसा कि आप और हम सब ये बात जानते हैं कि श्री हनुमान जी जैसा प्रभु श्री राम जी का भक्त न तो इस सृष्टि में कभी हुआ है और न कभी होगा। प्रभु श्री राम जी ने भी श्री हनुमान जी को भरत के समान अपना भाई बताया है, परंतु क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि भक्त और भगवान यानी श्री हनुमान जी और श्री राम जी एक दूसरे के समक्ष युद्ध लड़ने भी आ गए थे। जी हाँ भक्तों, सही सुना आपने, प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी आपस में युद्ध लड़ने एक दूसरे के समक्ष आ गए थे। ये वेदों में वर्णित कथा आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको ज्ञात होगा कि भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता बहुत पावन होता है। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। कैसे युद्ध करण को आए, कैसे युद्ध करण को आए राम संग हनुमान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों, एक बार सुमेरु पर्वत पर संतों की महासभा हो रही थी। कैवर्त देश का राजा सुकंत भी उस सभा में भाग लेने हेतु जा रहा था। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद ने दर्शन दिए। जब उनसे जाने का कारण पूछा तो सुकंत ने बताया, देवर्षि मैं संतों की सभा में भाग लेने जा रहा हूँ। तब देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया, हे सुकंत, सभा में सभी संतों को प्रणाम करना, परंतु मुनि विश्वामित्र को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जन्म से संत नहीं थे, पहले राजा थे, बाद में संत बने हैं। ना जाने क्यों सुकंत ने उनकी बात को मान लिया और सभा में सभी संतों को प्रणाम किया, परंतु मुनि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। मुनि विश्वामित्र इस अपमान को सहन न कर सके भक्तों, और गुस्से में तम तमाते हुए अपने परम शिष्य प्रभु श्री राम जी के महलों में आ गए। जब प्रभु श्री राम ने क्रोध का कारण पूछा तो मुनि विश्वामित्र ने राम जी को ये बताया, तुम्हारे होते मेरा राम अपमान हुआ है, सुकंतिक राजा जिसने मेरा अपमान किया है। सुकंतिक राजा जिसने मेरा अपमान किया है, मेरे अपमान का बदला तुम्हें ही लेना होगा, सुकंत का शीश काट के चरणों में रखना होगा। सुकंत का शीश काट के चरणों में रखना होगा। गुरु के मुख से बात सुनी तो, गुरु के मुख से बात सुनी तो राम हुए हैरान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान।
गुरुदेव का ऐसा क्रोध और ऐसे कड़वे वचन सुनकर पहले तो प्रभु श्री राम बहुत हैरानी में आए, परंतु गुरु तो गुरु ही हैं, उनका आदेश भला वो कैसे टाल सकते थे। इसलिए गुरु जी के चरणों में झुककर शपथ खाई, हे गुरुवर, आपका अपमान करने वाला अब जीवित नहीं रहेगा। सूर्योदय से पहले पहले उसका शीश काटकर यदि आपके चरणों में न चढ़ा दूं, तो स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु श्री राम की ऐसे वचनों की चर्चा तीनों लोकों में देवानल की तरह फैल गई। तीनों लोग प्रभु श्री राम के इस प्रण से थर थर कांपने लगे और राजा सुकंत, उसकी तो हालत मानो क्या कहने। जब से उसने सुना कि प्रभु श्री राम उसका शीश काटने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं, मारे भय के तीनों लोकों में मारा मारा फिर रहा था। उस घड़ी को याद कर रहा था जब उन्होंने देवर्षि नारद की बात को मान लिया। देवर्षि नारद के पास पहुंचे, उनके चरणों में गिरकर पूछा, नारद जी, आप ही के कहने से मैं इस मुसीबत में आया हूं, अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। श्री नारद जी भी जानते थे कि राम जी अपने वचन से फिरते नहीं हैं, सो उन्होंने सुकंत के प्राणों की रक्षा का ये उपाय बताया। अंजनी माँ की शरण में सुकंत जी तुम तो जाओ, प्राणों की रक्षा करने का वचन उनसे भरवाओ। प्राणों की रक्षा करने का वचन उनसे भरवाओ। अंजनी महल में आया, चरण में शीश नवाया, प्राणों की रक्षा हेतु वचन उनसे भरवाया। प्राणों की रक्षा हेतु वचन उनसे भरवाया। जा तेरे प्राणों का रक्षण, जा तेरे प्राणों का रक्षण करे मेरा हनुमान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। देवर्षि नारद के सुझाव पर सुकंत दौड़ा दौड़ा माँ अंजनी के महलों में पहुंचा। माँ अंजनी कुछ पूछ पाती इससे पहले चरणों में गिर गया और बोला, माँ मेरे प्राणों का रक्षण करने का वचन दीजिए। माँ अंजना द्वार पर आए भिक्षुक को कैसे लौटाती, सो बोली, जा ठीक है, मैं वचन देती हूँ, तेरे प्राणों का रक्षण मेरा पुत्र हनुमान स्वयं करेगा। उधर हनुमान जी, राम जी, भरत, लक्ष्मण सभी सुकंत को तीनों लोकों में ढूंढ रहे थे। हनुमान जी भी सुकंत को खोजते खोजते अपनी माता अंजना के महलों में पहुंचे। माँ ने अंदर आते ही अपने पुत्र को कहा, हे पुत्र हनुमान, अपने प्रभु श्री राम की सौगंध खा कि जो बात मैं तुझसे कह रही हूँ वो तुझे निभानी होगी। माता की आज्ञा भला हनुमान जी कैसे टालते भक्तों, सो बिना सोचे विचारे प्रभु राम की सौगंध खा ली। तब माँ ने अपने पीछे छुपे सुकंत को बाहर निकाला और बोला, तुझे इसके प्राणों की रक्षा करनी होगी। हनुमान जी को काटो तो खून नहीं, जिस प्रभु श्री राम ने सुकंत को मारने उन्हें भेजा था, माता अंजनी उसी के प्राणों के रक्षण का वचन हनुमान जी से ले चुकी थी। अब हनुमान जी बहुत दुविधा में थे और उधर प्रभु श्री राम जी के गुप्तचरों को ज्ञात हो गया था कि सुकंत माता अंजनी के महलों में छुपा हुआ है। श्री राम जी अपनी चतुरंगी सेना लेकर अंजनी महल के बाहर आ गए।
परंतु अपनी माता के वचनों का रक्षण करने हेतु श्री हनुमान जी भी सुकंत के प्राणों का रक्षण करने उसके सन्मुख ढाल बनकर खड़े हुए। हनुमान जी ने कोई हथियार नहीं उठाया भक्तों, बल्कि पद्मासन लगाकर सुकंत को अपने पीछे छुपा लिया और प्रभु श्री राम के नाम का जोर जोर से जाप करने लग गए। सुकंत थे पीछे बिठाए, श्री हनुमत राम को ध्याए, राम जी बाण चलाए, लौट के वापस आए। राम जी बाण चलाए, लौट के वापस आए। राम से बड़ा तो भक्तों राम जी का नाम है, श्री हनुमत वंदन करते राम जी है रान है। श्री हनुमत वंदन करते राम जी है रान है। लक्ष्मण जी ने बाण ता छोड़ा, लक्ष्मण जी ने बाण ता छोड़ा, मूर्छित भय हनुमान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। लक्ष्मण जी द्वारा छोड़ा गया बाण हनुमान जी के हृदय में जाकर लगा। हनुमान जी हे राम कहते हुए धरती पर मूर्छित होकर गिर गए। इधर हनुमान जी धरा पर गिरे तो उधर प्रभु श्री राम भी रथ से नीचे गिर गए भक्तों, और थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए। सभी हैरान परेशान थे, ये हुआ तो आखिर हुआ क्या। थोड़ी देर में प्रभु की तंद्रा वापस आई, बोले हे लक्ष्मण, जिस मेरे भक्त के हृदय पर तूने बाण मारा है उसके हृदय में तो मेरा ही वास है, चोट उसके हृदय को नहीं मेरे हृदय को लगी है। अपने भक्त हनुमान को घायल देखकर प्रभु श्री राम दौड़कर हनुमान जी के पास आते हैं, उनका शीश अपनी गोद में लिटाते हैं और आंख बंद कर उनके शीश पर हाथ फेरते जाते हैं। परंतु भक्तों, हनुमान जी मूर्छित नहीं हुए थे, ये तो अपने भगवान को रिझाने की एक कला थी। जब श्री हनुमान जी ने देखा प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू हैं, नेत्र बंद हैं और उनके शीश पर हाथ फिरा रहे हैं, चुपके से सुकंत को अपने पीछे से निकाला और उसका शीश प्रभु के सन्मुख कर दिया। प्रभु ने उसके शीश पर भी प्यार से हाथ फेर दिया। बस फिर क्या था, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हनुमान जी खड़े हो गए और बोले, हे भक्त वत्सल, आपने इसके शीश पर हाथ धर दिया है, अब भला आप इसे मारेंगे कैसे। राम जी भी धर्म संकट में फंसकर ये सोचने लगे भक्तों, ये मेरी शरण में आया, इसे मारूंगा कैसे, गुरु के वचनों को मैं भला निभाऊं कैसे। गुरु के वचनों को मैं भला निभाऊं कैसे। उधर फिर विश्वामित्र जी युद्ध भूमि में आए, संग में नारद भी आए, देवों को संग में लाए। संग में नारद भी आए, देवों को संग में लाए। सुकंत से नारद जी बोले, सुकंत से नारद जी बोले, गुरु को करो प्रणाम। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। इधर सुकंत प्रभु श्री राम के चरणों में पड़ा है, उधर प्रभु श्री राम दुविधा में हैं कि शरणागत की हत्या करें तो कैसे। के तभी मुनि विश्वामित्र
देवर्षि नारद और अन्य देवी देवताओं सहित युद्ध भूमि में आ जाते हैं। नारद जी सुकंत को आदेश देते हैं, अपनी भूल का सुधार करो सुकंत और गुरुदेव से क्षमा याचना करो। ये सुनते ही सुकंत गुरु विश्वामित्र के चरणों में पड़ जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं। गुरु विश्वामित्र ने भी शरणागत की रक्षा करते हुए सुकंत जी को क्षमा का दान दिया। उधर हनुमान जी को प्रभु राम ने भूमि से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। बोले हनुमान, तूने अपनी भक्ति से एक बार फिर मेरा हृदय जीत लिया। गुरु से प्रभु श्री राम ने क्षमा मांगी कि गुरुदेव, मैं आपके वचन का पालन नहीं कर सका। परंतु गुरु ने कहा, राम तुम्हें ग्लानी में आने की आवश्यकता नहीं, जब मैंने ही सुकंत को क्षमा दान दे दिया फिर आप इसकी हत्या कैसे कर सकते थे। चारों ओर हनुमान जी की भक्ति की जय जयकार होने लगी। गुरु विश्वामित्र और समस्त देवी देवता गण एक स्वर में गा रहे थे, राम भक्त कोई हुआ न होगा तुम जैसा हनुमान, राम भक्त कोई हुआ न होगा तुम जैसा हनुमान। तो बड़े प्रेम और श्रद्धा से आप सब मेरे साथ बोलिए भक्तों, बोलिए भक्त और भगवान की जय। राम के नाम को गाते राम ही राम बुलाते, राम के चरण धूल से वो चंदन तिलक लगाते, राम के चरण धूल से वो चंदन तिलक लगाते, सीने को चीर दिखाते प्रभु का दर्श कराते, महावीरारण धीरा राम चरणों को ध्याते, महावीरारण धीरा राम चरणों को ध्याते। राम भक्त कोई हुआ न होगा, राम भक्त कोई हुआ न होगा तुम जैसा हनुमान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। अति अति प्रिय कहाई, रघुवर सेवा करते जाई, कोई ना करे इनसी सेवकाई, सबका मंगल करते भाई, राम नाम जो मन से गाते हनुमत की कृपा पा जाते, दिवस ये मंगलवार का होता बड़ा महान, बजरंग का जो व्रत साधे होते पूरण काम। एक दिवस ऐसा था आया, राम सिया का दर था भाया, राज सिंहासन दोनों बैठे हनुमत चरण की सेवा करते, सीता ने तब इच्छा जताई, पृथ्वी दशा क्या कहो रघुराई, क्या घटता है दृश्य दिखाओ, जन जन का मुझे हाल सुनाओ, सीता के कहने पर ही लीना हाथ उठा,
बचाना चलता, आएगी हनुमान जयंती। कैसे मन की चिंता लगती, अगर चढ़ावा ना चढ़ा दूंगा तुम्हें निकाल। ऐसी दी चेतावनी, कैसा था जंजाल। राम ने तब हनुमत को देखा, आज्ञा दी नी धरा पे भेजा, बोले भक्त की लाज बचाओ, कारज सारी जाय बनाओ। हनुमत ने रूप को बदला, एक तेज काया से निकला, एक सज्जन का रूप बनाया, मंदिर पथ पे पग को बढ़ा। थोड़ा सा कुचाए, मंदिर की सब दशा बताए, बोला तुमको धन कैसे दूंगा, काम पे कैसे मैं रखूंगा। हनुमत ने तब उनको बताया, धरना चाहूं ये समझाया, चरणों के बस फल मिल जाए, मेरा गुजारा सब हो जाए। पंडित को ये ठीक लगा, दे दिया सेवा का, प्रभु चरणों के फल दूं।
पंडित ने देखा कौन रूप हनुमत ले बैठा, ये है सदानंद मन में आया, इसने ही ये रूप बनाया। दान दक्षिणा को तब देखा पंडित ने उसको ना टोका, हनुमत जब जब नाचत जाए, देखो चढ़ावा चढ़ता जाए। पंडित ने तब सौंप दिया था आया, गांव का मुखिया था हर्षाया, दान दक्षिणा बहुत था पाया, मंदिर के कारज में लगाया। मनी थी तब हनुमान जयंती, धन दान की कमी नहीं थी, सारे भक्त जन मंदिर आते, हनुमत की झांकी को पाते। ऐसा था आया, मुखिया ने पत्नी के भाई को बुलाया, मूरत तब उसको दिखलाई, हनुमत प्रतिमा मन अति भाई। उसके मन में लालच आया, इसे चुरा लूं ऐसा भाया, ऊंचे दाम पे घर में बेचूं, निर्धनता फिर मैं ना देखूं। रात वो मंदिर में घुसा, चोर धर दबोचा, हनुमत बन के सोटा निकाला, प्रतिमा को लेना तत्काला। बजरंगी ने क्रोध दिखाया, पाप मान ले उसे समझाया, साथ में मेरे मंदिर चलना, चोर है तू ये सबसे कहना। सोटा पड़ा हनुमान का, मान गया वो बात, प्रतिमा चोरी सब हैरत में आए, चोर कौन है समझ न आए, इतने में सदानंद था आया, साथ में अपने चोर को लाया। सबने गौर से देखा भाला, वो था मुखिया जी का साला, मुखिया जी को क्रोध था आया, जेल उसे तब था भिजवाया। नगर में आए, माया सारी सब समझाए, पंडित का मन तब हर्षाया, बजरंगी का दर्शन पाया। सुखी हुए सब नगर निवासी, हनुमत ने सब दशा बदल दी, राम की आज्ञा को तब पाया, हनुमान ने रूप दिखाया। कारज सब पूर्ण हुए, पाया सुख का, मंदिर भव्य
बसाया, हनुमत की कृपा को पाया, मन से जो हनुमत को मनाए मंगल उसका सब हो जाए। मंगल का दिन है शुभकारी, हनुमत की है महिमा।